हेलो स्टूडेंट्स, स्टार एजुकेशनल हब पर उड़ान सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 5 की गणित की पाठ्यपुस्तक से संबंधित उड़ान कार्य पुस्तिका से पाठ 1 मछली उछली की गतिविधि 1। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गणित कक्षा 5 पाठ 1 मछली उछली कार्यपत्रक 1 यानी कि वर्कशीट 1 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गतिविधि है यह है जोड़ और घटा से संबंधित। तो यहाँ पर उदाहरण 1 है, जैसे कि यहाँ उदाहरण में हम सीखेंगे संख्याओं का जोड़ करना। तो जैसे कि उदाहरण 1 में 127 और 102 का जोड़ है, तो इसको प्रॉपरली सही रूप से कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इकाई, धाई और सैकड़ा लिखेंगे और उसके नीचे हम संख्याओं को लिखेंगे। जैसे 127 है तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्रॉपरली लिखा है। 102 को हम उसके नीचे लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। 7 जमा 2 9, 2 जमा 0 2, 1 जमा 1 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जोड़ के सवाल आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो प्यारे बच्चों, इनका आप अभ्यास करें। उदाहरण 2 है 123, 321 और 54 का जोड़। यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इकाई, धाई और सैकड़े का सीखना। इनका ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक संख्या दे रखी है, 3 अंकों की संख्या है 123, और दूसरी संख्या है वो भी 3 अंकों की है 321। लेकिन जो तीसरी संख्या दे रखी है वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की है 54। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर इकाई, धाई और सैकड़ा लिखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर 54 दे रखा है, तो 54 हमेशा गणित में कोई भी संख्या लिखते हुए हम इकाई से शुरू करते हैं, तो 4 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा, और सैकड़ा पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं या ऐसे ही खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद हमें करना होगा सभी संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 जमा 1 4, 4 जमा 4 8। तो हम यहाँ पर अपने उत्तर में लिखेंगे 8, 2 जमा 2 4, 4 जमा 5 9, 1 जमा 3 4, 4 जमा 0 4। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या उसका उत्तर होती है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आया 498। अगला प्रश्न है 294, 212 और 367। जिन बच्चों को इकाई, धाई और सैकड़ा का कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, इसकी अवधारणा अच्छे से आती है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करेगा। इकाई धाई की अवधारणा सिखाने के लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, उसको आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनको, पहली संख्या है 294। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, इकाई से लिखना शुरू करते हैं 4, 9 और 2। अगली संख्या है 212, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और तीसरी संख्या है 367, तो इस तरह से लिखकर अब हम इनको जोड़ेंगे। यह एक हासिल का सवाल है और बड़े ही ध्यान से देखेंगे। 4 जमा 2 छः, 6 जमा 7 कितने होते हैं 13, 13 का 3 का और हासिल गया 1। तो ये हासिल यहाँ पर धाई के घर में गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 इन चारों अंकों को एक साथ जोड़ना होगा। हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, 1 जमा 9 10, 10 1 11, 11 जमा 6 17, 17 का 7 का हासिल 1। अब फिर से हमें सभी अंकों को जोड़ना होगा, 1 जमा 2 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 3 8।
तो यहाँ पर इस तरह से हमारा उत्तर आता है 873। और आगे है उदाहरण, तीन अंकीय संख्याओं को विविध तरीकों द्वारा हासिल के साथ घटा सकते हैं। यहाँ पर हमारी अवधारणा है घटा की, तो घटा के लिए 643 में से 231 घटाना है। तो प्यारे बच्चों, जोड़ या घटा कोई भी सवाल सीखने से पहले आपको अंकों की और संख्याओं की पहचान आनी चाहिए, उनको आप अच्छे से पढ़ सको, इसके लिए समझ सको, इसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, 643 में से 231 घटाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, घटा करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर हम इकाई, धाई और सैकड़ा अवश्य लिखें। इस तरह से लिखने के बाद हम बड़े वाली संख्या है, हमेशा बड़ी संख्या हम ऊपर लिखेंगे। 643 है तो 643 और 231 घटाना है तो हम 231 छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद हम अपना सवाल हल करते हैं। तीन में से एक गया दो, और चार में से तीन गए एक, छः में से दो गए चार, तो इस तरह से हमारा उत्तर आता है 412, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला सवाल करना सीखते हैं। 469 में से 123 घटाना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई, धाई और सैकड़ा। इकाई, धाई, सैकड़ा लिखने के बाद हम संख्याओं को इसके नीचे लिखेंगे, ऊपर हमें लिखनी है बड़ी संख्या 469। इस तरह से लिखने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे छोटी संख्या 123। 123 लिखते हैं और हम घटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। कैसे घटाएंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 2 गए 4, और 9 में से 4 में से 1 गया 3, तो इस तरह से हमारा उत्तर आया 346। आगे देखते हैं उदाहरण 3, 189 में से 129 घटाओ, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई, धाई और सैकड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी संख्याएं लिखेंगे, बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, और फिर हम करते हैं अपना सवाल हल। और 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6, और 1 में से 1 गया 0, तो इस तरह से हमारा उत्तर आता है 60। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पहले 0 है तो इस 0 को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे 60। हमारा उत्तर आया यहाँ से 60। आगे की दो संख्याएं लिखो। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे की दो संख्याएं लिखनी है, कैसे लिखेंगे, 198, 198, 198 के बाद क्या आता है 199, और यहाँ पर आएगा 200, 867, 868, 869, यानी कि दी गई संख्या में एक एक जोड़ते चलेंगे, 209, 210, 211, 610, 611, 612, 369, 370, 371, 599, 600 और 601। इस तरह से आपको यहाँ पर आगे की दो संख्याएं लिखनी है, गिनती की तरह है, बिल्कुल गिनती पूरी करनी है। पहले की दो संख्याएं लिखिए। अब ये देखिए, पहले की लिखनी है, यानी कि हम उल्टी गिनती यहाँ से सीखेंगे। 201 है तो 201 से पहले क्या आता है 200, और 200 से पहले क्या आता है 199। यहाँ पर हम दी गई संख्या में से एक घटाते चलेंगे। 627 है तो 627 से पहले क्या आता है 626, और इससे पहले आता है 625। आगे है 302,
302 से पहले आता है 301 और इससे पहले आता है 786, 786 से पहले आता है 785 और 784, 400 से पहले आता है 399 और 399 से पहले आता है 398, 898 से पहले आता है 897 और इससे पहले आता है 896। प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इन जोड़ और घटा के सवालों का अभ्यास करें और आगे की दो संख्याएं और पहले की दो संख्याओं को समझते हुए अपनी कॉपी में लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।